नाजरीन आप देख रहे हैं पंजाब रंग न्यूज, मैं हूं मोदी आली। खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से। चीचा वतनी की अवाम ने नेशनल हाईवे रोड को लाहौर से मुल्तान के लिए ब्लॉक कर दिया। अवाम का कहना है कि मजदूर शाम को 600 रुपए दिहाड़ी लेकर आए और वो घर का निजाम चलाए या बच्चों के स्कूल की फीस दे या बिजली के बिलों को तारे। बिजली के बिलों में ज्यादा टैक्स लगाने पर चीचा वतनी की अवाम ने रेस्को 112 के दफ्तर के करीब बाईपास को बंद कर दिया। बाईपास तकरीबन एक घंटा बंद रहा, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और अवाम ने बिजली महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अवाम ने कहा, जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते। पुलिस मौका पर पहुंची तो अवाम से SHO सदर ने बात की। SHO सदर के साथ अवाम के मुज़ाकरात टैप पाए गए। SHO सदर ने अवाम को पीर तक का टाइम दे दिया। इन्होंने कहा कि पीर वाले दिन 10 से 15 लोग मेरे पास आ जाएं, हम मिलकर पीर वाले दिन वापडा दफ्तर जाकर बिलों में कमी करवाएंगे। अवाम ने एक घंटे के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद जवेद और नुमाइंदा तस्वीर रिपोर्टर पंजाब रंग न्यूज चीचा वतनी।